रहा हमारा चिप्स, और ये यहाँ पे बेडशीट बिछा दिए हैं इसी के ऊपर, पूरा बेडशीट में इस प्रकार से देखिए चिप्स को अभी बिछाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यानी सानंद ब्लॉग्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस आज बनने वाला है आलू का चिप्स, तो आपको दिखाते हैं कि देसी तरीका से घर में जो जो लेज हम लोग खाते हैं उसे घर में कैसे बनाते हैं। ये कुछ डिफरेंट होगा, कुछ अलग होगा, लेकिन बहुत ही तगड़ा होगा, तो हमारे साथ बने रहिए। आज घर में हम लोग बना रहे हैं आलू का चिप्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे बड़े बड़े आलू हैं, सबको अच्छे तरीके से छील के धो लिए हैं। और फिर ये देखिए, ये है हमारे पास कद्दूकस, जिससे हम लोग चिप्स का डिज़ाइन देंगे, यहाँ पे काटेंगे। तो फिलहाल अभी चलिए आलू को चिप्स का डिज़ाइन से काटते हैं जल्दी जल्दी। गाइस देख सकते हो ये रहा आलू, और ये अभी से इस प्रकार से देखिए, तो ऐसा इसी डिज़ाइन में हम लोग का देख सकते हैं चिप्स, कितना मस्त मस्त पतला पतला और बड़ा बड़ा चिप्स बन गया है। तो अभी फिलहाल सब आलू, जितना आलू है उसको काटते हैं, फिर आपको दिखाएंगे आगे का प्रक्रिया। गाइस देख सकते हो इतना सारा चिप्स हम लोगों ने काट लिया है, इसे गर्म पानी में देखिए बॉयल करेंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी दे देंगे ताकि इसमें देखिए कुछ कुछ हल्का हल्का लाल हो गया, वो लाल से बचाने के लिए हम लोग इसमें भी फिलहाल पानी देंगे और इसे बॉयल करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पूरा बाल्टी में पानी देखे ये चिप्स डाल दिए हैं, और ऊपर अभी गर्म पानी फिलहाल कर रहे हैं। गाइस यहाँ पे फिलहाल पानी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिए हैं। इतना सारा आलू था, सबका चिप्स यहाँ पे तैयार है, देख सकते हैं। अब इसे बॉईल करेंगे। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे हमारा जो है पानी बॉईल हो चुका है, अब जो हम लोग चिप्स काटे थे वो चिप्स इसके अंदर जाएगा। तो देखिए ये है वो चिप्स, अब जितना सारे चिप्स है सब इसके अंदर एक एक करके चले जाएगा। तो देखिए गाइस अब ये इसमें जितना चिप्स था सब जा चुका है, अब इसे अच्छे तरीके से बॉयल होने देते हैं। देख सकते हो यहाँ पे अभी ये बॉयल हो रहा है आलू, देखिए। तो अभी इसको कुछ देर तक अच्छे तरीके से बॉयल करेंगे, तक तक के लिए इसे ऐसे बॉयल होने छोड़ देते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो ये अच्छे तरीके से बॉयल हो गया, अब जितना इसे छाँक के निकाल लेंगे। देखिए ये एकदम अभी जो गर्म है गाइज, एकदम मतलब अच्छे तरीके से ये पक चुका है। देखिए सब निकालेंगे और फिर इसे छत पे जाके सुखाएंगे, और हम लोग का 2-3 दिन 4 दिन अच्छा से धूप लगेगा, फिर हमारा चिप्स बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सब चिप्स निकल चुका है, बाकी चिप्स को खोलाते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग का जो चिप्स था वो बन के तैयार हो चुका है, उसे छत पे पहुँचा दिए। तो अभी अब उसमें धूप में सुखाएंगे, तो अभी चलते हैं आपको भी दिखाएंगे। आप भी देखिए कि कैसे किस प्रकार से उसको धूप में सुखाएंगे। 3-4 दिन तो धूप का टाइम लगेगा ही, उसके बाद ही वो अच्छी तरीके से पकेगा। तो फिलहाल धूप में सुखाते हैं। ये रहा हमारा चिप्स, और ये यहाँ पे बेडशीट बिछा दिए हैं इसी के ऊपर, पूरा बेडशीट में इस प्रकार से देखिए चिप्स को अभी बिछाते हैं। तो चलिए फिलहाल चिप्स इसके ऊपर ऐसे रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से सूख जाए, नीचे साइड से भी ऊपर। अगर प्लास्टिक में देते तो अंदर साइड से नहीं सूखता, इसलिए कपड़ा में दिए ताकि नीचे ऊपर दोनों तरफ से अच्छे तरह से सूख जाए। तो अभी फिलहाल इसे लगाते हैं। गाइस देख सकते हो यहाँ पे सब चिप्स जितना था सबको अच्छे तरीके से धूप में सूखने दे दिए। अब जितना देख सकते हो इधर उधर पूरा चादर बिछा के, लेकिन इतना कड़ा धूप था हालत ख़राब हो गया है। तो गाइस सब दे दिए, लेकिन इतना कड़ा धूप था हालत मेरा ख़राब हो गया, कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन देखिए पसीना भी आ गया, बहुत कड़ा धूप है, हमको लगता है 2-4 घंटा में एकदम सूख जाएगा, 3 दिन सुखाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। फिलहाल अब जाते हैं, नहीं तो बेहोश हो जाएंगे, इतना कड़ा धूप है। बेहोश तो नहीं होंगे, बहुत ताकत है, लेकिन जा रहे हैं अभी क्योंकि नहाना भी अब एक्सेस कड़ा धूप है, अब नहीं होगा, लेकिन लगभग 90% दे दिए सूख रहा है। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से कल एक नए और मजेदार ब्लॉग के साथ। सो टिल देन बाय।